माय स्वीट होम एंड डेकोर चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बना लेंगे फ्रेश फ्रेश पुदीना से एक बहुत ही टेस्टी सा पिकल, जो आप 1 से 2 महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही यमी रहता है। आप चावल के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पुदीना तो पता है जैसे इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए हमने क्या किया है, एक बड़ी गड्डी पुदीना की ले ली है। इसको हमने अच्छी तरीके से धोकर इसके लीव्स, सारे पुदीने के पत्ते, और इसको हमने एक सूखे कपड़े पे डाल लिया था, साफ कपड़े पर, और इसको फैन के नीचे सुखा दिया था। तो अभी अच्छी तरीके से सूख गए, थोड़ा थोड़ा ही मॉइस्चर बचा है तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए ये। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 नींबू के बराबर की इमली ली है, इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से धो लिया है ठंडे पानी में, देखिए। और इसके ये अपने आप निकल जाएंगे, ये जो वेस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं, ऐसे वाले, ये वाले पूरे हम निकाल देंगे ऐसे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा निचोड़ के साइड में रख दूँगी मैं। और यहाँ पर हमने गुनगुना पानी कर लिया है और इसको मैं इमली को इसमें भिगो दूँगी ताकि ये जल्दी जल्दी भीग जाए। और इसी पानी को हम यूज़ करेंगे पिकल को, इसको पीसने के टाइम, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम एक पैन चढ़ा लेंगे, इस पर मैं डाल लूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल, हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून उड़द की दाल और 1 टेबलस्पून धनिया, साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, और यहाँ पर मैंने लिया है बहुत थोड़ा सा मेथी दाना और 1/2 टीस्पून के करीब राई। तो इन सबको हम एक बार फ्राई कर लेंगे। बहुत धीमी आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर लेंगे 7 से 8 ड्राइड रेड चिलीज। जैसा कि मैंने कहा था, ये पिकल है तो इसमें थोड़ा सा चिली पड़ता है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन इसमें चिली का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसको हम धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, जब तक इससे बहुत अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। और इसमें चने की दाल अगर आपके पास है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल चने की दाल नहीं है। चने की दाल से भी इसमें इसका टेस्ट जो है वो बहुत एनहेंस होता है, अच्छा लगता है। देखिए अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, हम इसको और 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। देखिए आवाज़ भी आ रही है, चिलीज अभी फ्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से, स्पाइसेस में से। देखिए अब इस टाइम पर धनिया भी लाल हो चुके हैं हल्के, तो अब इस टाइम पर हम इसमें जो पुदीना हमने वॉश करके रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे।
देखिए सारा कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है और 2 से 3 सेकेंड में ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है जैसे ही हमने पैन में डाला। तो पुदीने को भी हम धीमी आंच पे भून लेंगे जब तक इसका मॉइस्चर पूरा सूख नहीं जाता। देखिए अभी अच्छी तरीके से पुदीना भी हमारा ये फ्राई हो चुका है तो हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और फिर गैस को बंद कर लेंगे। देखिए अब अच्छी तरीके से हमारा ये जो अचार का ये मसाला पूरा तैयार हो चुका है। अब हम बंद कर लेंगे हमारा गैस स्टोव और इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से ठंडा। हम फ्रेंड्स अभी ये जो हमने फ्राई किया था मिक्सचर ये सारा अच्छे से ठंडा हो चुका है तो चलिए अब हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस टाइम पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैं मोटा नमक डाल रही हूँ इससे इसका स्वाद अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अभी ये आधा ही पिसा हुआ है तो जो इमली हमने भिगो ली थी गुनगुने पानी में वो भी हम इस टाइम पर इसमें ऐड कर लेंगे। और वो गुनगुना पानी जो था जिसमें हमने इमली भिगोई थी ज़रूरत अनुसार हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी 2 चम्मच के करीब पानी डाल रही हूँ वही वाला। तो अब चलिए हम इसको पीस लेते हैं दोबारा से। तो फ्रेंड्स अभी हम इसके लिए एक तड़का बना लेंगे। तो जिसमें मैंने फ्राई किया था पुदीना वगैरह मैं उसी पैन में तड़का लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 रेड चिली को डाल देंगे। तो रेड चिली मैंने डाल ली है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, सनफ्लावर ऑयल लिया है, हम कोई भी तेल ले सकते हैं। और लेंगे यहाँ पर हम लहसुन, लहसुन की कलियाँ ली हैं 5 से 6 और डाल लेंगे हम इसमें उड़द की दाल। तो तड़का हम अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं जैसा हमको पसंद है। तो मैंने थोड़ा सा उड़द की दाल डाला है और थोड़ा सा जीरा। तो अब हम थोड़ा सा राई भी इसमें ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब हम ये तीनों चीज़ें डाल लेंगे तो अच्छा है। तो इन सबको हम धीमी आंच पे भून लेंगे। थोड़ा सा ये भून जाएंगे तो इसके बाद तो इस टाइम पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर 1 चुटकी भर हींग डाल लूंगी। तो सबसे लास्ट में हम कड़ी पत्ता डालेंगे, फ्रेश कड़ी पत्ता। जैसे ही हमारी ये दाल और ये लहसुन वगैरह सब थोड़ा सा कलर चेंज होंगे तो हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब हम डाल लेते हैं इसमें कड़ी पत्ता। तो फ्रेंड्स देखिए कड़ी पत्ता भी फ्राई हो चुका है। तो इस टाइम पर मैं इसमें जो हमने अचार पीस लिया था इसको हम इसमें डाल लेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा इमली के भिगोया हुआ पानी डाला था। तो जब तक मॉइस्चर थोड़ा सा चला नहीं जाता हम इसमें तड़के में डालकर इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे इस साइड से। तो स्टोर कर लेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा फ्रिज में। 1-1.5 महीना तक हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रहता है ये चावल के साथ, गर्मा गर्म चावल के साथ आप खाएंगे तो बहुत यमी लगता है। या फिर पराठों के साथ भी हम इसको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़े क्वांटिटी में बनाया है अचार, इसीलिए मैंने तड़के में 2 टेबलस्पून के करीब ही तेल डाला है। अगर हम 2-3 गड्डी या ज़्यादा बड़ा फैमिली है और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो तड़का हम ज़्यादा तेल में डाल लेंगे तो कई दिनों तक ये बिल्कुल फ्रेश रहता है और इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा बिल्कुल, तो ये बहुत दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए इसमें बचा हुआ थोड़ा मॉइस्चर भी अभी चला गया है, इसको हम ठंडा कर लेंगे और फिर इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमारा ये अचार ठंडा हो गया है, तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। इतना टेम्प्टिंग लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है, तो जैसे ही बनेगा ये ख़त्म हो जाएगा, ये तो रहेगा ही नहीं ज़्यादा दिन तक। फ्रेंड्स तो देखिए तैयार है पुदीने का स्वादिष्ट अचार, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करना और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और बहुत हेल्दी और टेस्टी है ये और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं फिर अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।